शहर औलिया तरक्की की राह पर गामजन, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने 24 करोड़ के 2 मंसूबों का संग बुनियाद रखा। वलायताबाद वाटर सप्लाई मंसूबा 4 करोड़ से मुकम्मल होगा। बिलाल चौक सीवरेज निजाम की दुरुस्ती पर 20 करोड़ लागत आएगी। अफसर काम नहीं करेगा वो मुल्तान में नहीं रहेगा। मुल्तान के तरक्याती बजट का 1 रुपया भी लैप्स नहीं होने देंगे, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वादा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, आमिर डोगर, डीसी अली शहजाद, जैन कुरैशी, नदीम कुरैशी, जावेद अख्तर इंसारी समेत दीगर की शिरकत। कॉल, इंटरनेट और एसएमएस राब्ते पर टैक्स न लगाने का फैसला। कॉल लगने वाले टैक्स आज वापस ले लिए गए हैं, जबकि वजीर आजम और काबीना ने टैक्स लगाने की मुखालफत कर दी। इंटरनेट डेटा, मोबाइल फोन कॉल्स और एसएमएस महंगे नहीं होंगे। पंजाब के वजीर खजाना हाशिम जमा बख्श 14 जून को बजट पेश करेंगे। पंजाब का बजट 2600 अरब का होगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब मुख्तस किए जाएंगे। हुकूमती तावन से चलने वाले मंसूबों के लिए 300 अरब से ज्यादा सब्सिडी देने की तजवीज। जनूबी पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 196 अरब, सेहत कार्ड के लिए 60 अरब, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 100 अरब मुख्तस करने की तजवीज। बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब के बजट में सेहत, तालीम के तरक्याती बजट में गुजश्ता वर्ष के मुकाबले में इजाफे की सिफारिश। 6 अरब रुपए का दिया गया टैक्स रिलीफ वापस लेने की तजवीज। सूबाई महसूलात की मद में 3 खरब 70 अरब का हदफ मुकर्र करने की सिफारिश। मशीरों, वजीरों के अखराजात के लिए इजाफी फंड। मुर्गी पाल और कट्टा पाल स्कीम के लिए भी खतीर रकम मुख्तस करने की तजवीज। बजट से कबल जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को बाख्तियार बनाने का ख्वाब पूरा न हो सका। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के रूल्स ऑफ बिजनेस का मामला भी जू का तू। बैन वजारती कमेटी बजट से कबल जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के रूल्स ऑफ बिजनेस का टास्क मुकम्मल न कर सकी। रवा माली साल के बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें बढ़ाने की नवीद सुना दी। कहते हैं सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में पहले 25% इजाफा किया गया, बजट में भी तनख्वाहें बढ़ाएंगी। जनूबी पंजाब का नारा लगाने वाली जमात बजट में सराय के खत्ते को ही भूल गई। विपक्षी वजीर खजाना की बजट तकरीर में जनूबी पंजाब का तस्करा ही नहीं है। जनूबी इलाकों कम तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल न किया गया। तरक्की से महरूम इलाकों में जनूबी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध के 14 अजला और खैबर पख्तूनख्वा 10 अजला शामिल। हज के ख्वाहिशमंद अफराद को अभी मजीद करना होगा इंतजार। रवां साल भी सऊदीया में मुकीम मुल्की और गैर मुल्की अफराद हज करेंगे। सऊदी वजारत हज की जानिब से हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। तूफानी आंधी ने तबाही मचा दी। कोटछुट्टा में बिजली के पोल जमीन बोस, मकानों की छतें और दीवारें गिरने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फैमिली अदालतों के केसेस अज खुद दूसरे अजला में मुंतकली, गैर कानूनी करार। मुंतकली के लिए हाईकोर्ट से रजू लाजिम करार दे दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने तारीख साथ फैसला सुना दिया। फैमिली अदालतों के जजेस को केसेस को दूसरी अदालत या दूसरे जिले में मुंतकिल करने का इख्तियार नहीं होगा। 8 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला सेशन और सिविल जजेस को भिजवाने का हुक्म। पुलिस कारकर्दगी चेकिंग के लिए पैरामीटर्स मुंतखब कर लिए गए। आरपीओ इरागाज खान की डिवीजन भर के डीपीओ से मीटिंग। तमाम डीपीओस को एंटी क्राइम के हवाले से टारगेट सौंप दिए गए। पंजाब हुकूमत को हक लेने के लिए 63 साल लग गए। लाहौर हाईकोर्ट का शहरी 1998 में अलॉट की गई जमीन वापस लेने के हुक्म दे दिया गया, जबकि 1998 में 3 बरस के लिए शहरी को 8 कनाल राशि अलॉट हुई थी, मगर काबिज शख्स ने जमीन वापस न की। हुकूमत 6 दहाइयों तक जमीन की वापसी की कोशिशें करती रही। बहावलपुर में रोजाना 25,900 अफराद को वैक्सीनेशन लगाने का हदफ। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमिन राशिद ने हदफ दे दिया। सरगोधा डिवीजन का हदफ 21 और मुल्तान का 44,400 मुकर्र। सूबे भर में वैक्सीनेशन के लिए 677 सेंटर्स और 223 मोबाइल वैक्सीनेशन कैंप कायम कर दिए गए।
डेरा गाजी खान में रोजाना 14,800 अफराद की वैक्सीनेशन की जाएगी। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने मुतालिका अफसरान को हदफ दे दिया। वीडियो लिंक इजलास में वैक्सीनेशन और प्रोग्रेस का जायजा लिया। लैया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के डिप्टी कमिश्नर और अफसरान की वीडियो लिंक में शिरकत। रहीम यार खान के काश्तकारों का कमाल, अमरीकी अंगूर की 13 इकसाम जरखेज जमीन पर 50 डिग्री पर उगा डाली। 13 इकसाम के बीच कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मंगवा कर काश्तकार आम से ज्यादा आमदन होने पर खुशी से निहाल। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उन्हें सड़कों की बजाय स्कूल्स में होना चाहिए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर डे पर पैगाम, कम उम्र बच्चों से जबरी मुशक्कत करवाना कानूनन जुर्म है। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में बच्चों से मुशक्कत के खात्मे का आलमी दिन। मुल्तान में गुज़श्ता साल 386 मजदूर बच्चों को रेस्क्यू किया गया और रवा साल अब तक मजदूरी करते 179 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। शुजाबाद में चाइल्ड लेबर डे के हवाले से निजी एनजीओ ने रैली निकाली, सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। भट्टा मजदूर बच्चे और उनके वालिदैन को आगाही दी गई।